कक्षा 12वीं विषय गणित प्रश्नावली 15.4 अध्याय 15 समाकलन के अनुप्रयोग। कक्षा 12वीं विषय गणित प्रश्नावली 15.4 अध्याय 15 समाकलन के अनुप्रयोग। रेखाओं y बराबरी से x प्लस 1, y बराबरी से 2x प्लस 1 और x बराबरी से 2 से की परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करो। हमारे पास दी हुई रेखाएं हैं, इसके हल में हम लिख रहे हैं दी हुई रेखाएं हमारे पास में है। पहली क्या है, वह बराबरी से x प्लस 1, समीकरण नंबर 1। दूसरी रेखा हमारे पास है वह बराबरी से 2x प्लस 1, ये दूसरी रेखा का समीकरण। और तीसरी रेखा हमारे पास है x बराबरी से 2, ये समीकरण नंबर 3। अब इन तीनों को ध्यान से अगर समझे, समीकरण 1 व 2 का प्रतिच्छेद बिंदु, समीकरण 1 और 2 का प्रतिच्छेद बिंदु ये हमारे पास A है और A के निर्देशांक है 0, 1। समीकरण 2 व 3 का प्रतिच्छेद बिंदु, वह बिंदु C है, उसके निर्देशांक है 2, 5। और समीकरण 1 और 3 का कौन सा प्रतिच्छेद बिंदु, वह बिंदु B है जिसके निर्देशांक है 2, 3। इन रेखाओं का आलेख खींचते हैं, इन रेखाओं का क्या आलेख, इसका आलेख प्रदर्शित है। त्रिभुज एबीसी, ये त्रिभुज एबीसी परिबद्ध क्षेत्र है। अब क्षेत्रफल निकालेंगे त्रिभुज एबीसी का, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल हम निकालेंगे तो ये क्षेत्रफल निकलेगा 0 to 2, क्या 2x प्लस 1, 2x प्लस 1, ये 2x प्लस 1 dx माइनस इंटीग्रेशन 0 to 2 x प्लस 1 dx। अब हम जानते हैं दोनों की सीमा एक ही है, 2x प्लस 1 में से x प्लस 1 को यदि हम सबट्रैक्ट करें तो हमारे पास आएगा 0 to 2 x dx। इसका जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आएगा x² / 2 0 to 2, 2 2 = 4, 4 / 2 2 माइनस 0, 2 माइनस 0 2 वर्ग मात्रक। उम्मीद है आप सबको ये समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, शेष कर धन्यवाद।